Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamualaikum, गुड मॉर्निंग. आज के साथ मैं हूं अनम कासमी और मैं हूं सबाशी. आज बुध है और 6 सितंबर है और आज के दिन के हवाले से आपको कुछ कहना चाहेंगे कि शहीदाने वतन के हौसले थे दीद के काबिल, वहां पर शुक्र करते थे जहां पर सब्र मुश्किल था. आज है 6 सितंबर यानी यौम दिफा का दिन, जब 1965 में अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने दुश्मन को कारी जर्ब लगाकर मुंह तोड़ जवाब दिया और साबित किया कि पाक फौज वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी और दुश्मन पर यह दाग बिठाई कि हमारी फौज का हर जवान मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए हमा वक्त अपनी जान हथेली पर लिए खड़ा है. आज मुल्क भर में जहाँ 65 की जंग में जाम शहादत तोश करने वालों को याद किया जा रहा है, वहीं इस अज़्म का आदा भी किया जा रहा है कि हमारी कौम का दिफा उन मजबूत हाथों में है जिनके आगे ना कभी पहले और ना ही कभी आगे और ना ही आज दुश्मन सर उठा सकता है. आज के दिन हम उन्हीं जवानों को खिराज अकीदत पेश करेंगे और आगे चलकर आपको कुछ फौजी जवानों से भी मिलवाएंगे जिनसे गुड मॉर्निंग आज की टीम ने मुलाकात की और उनकी हिम्मत और हौसले के दिलदादा हो गए. जी हाँ, बिल्कुल हिम्मत और हौसले के दिलदादा हो गए और साथ साथ आज के दिन हम खिराज तहसीन भी पेश करेंगे. आज 6 सितंबर है, तशदीद अहद वफा का दिन है जिस दिन हमने भारतीय फौज ने अचानक हमला किया. इस मौके पर पाक अफवाज ने अपनी सरहदों की हिफाजत का हक अदा कर दिया. इस दिन को हम यौम दिफा के तौर पर हर साल मनाते हैं. 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है. इस दिन भारतीय फौज इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में दाखिल हुई. भारतीय फौज का इरादा तो ये था कि 7 सितंबर को सुबह का नाश्ता लाहौर में करेगी, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज ने ऐसा नाश्ता कराया जिसका जायका भारतीय अफवाज आज तक नहीं भूली है. इंसानी तख्लीक आजमाइश के लिए है और इसी तरह कौमों की जिंदगी में इम्तहान और इनकलाब लिए रहते हैं. आजमाइशों की तपती भट्टियों से निकलकर कौमें कुंदन बनती हैं. 6 सितंबर का दिन हमारी कौमी तारीख में संगे मील की हैसियत रखता है और ये इज्जत पकार के साथ जिंदा रहने की कौमी ख्वाहिश की खमाजी करता है. हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शामिल है. कोई भी कौम अपने दिफा से गाफिल नहीं रह सकती. दिफा जितना मजबूत होगा कौम उतनी ही शानदार होगी. तो यकीनन आज हमारे लिए एक तारीखी दिन है. यकीनन आज हमारी ताकत शो करने का दिन है. यकीनन आज बताने का दिन है कि हम डरते नहीं हैं, हम लड़ते हैं, हम शहीद हो जाते हैं और आज के दिन को हम इसलिए मनाते हैं और आज के दिन को हम अपनी तमाम पाक अफवाज को जो है खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं. बिल्कुल, इस हवाले से बहुत सी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, बहुत सी तकरीबात भी हो रही है. इस पर पाक फजाई की तकरीब भी हो रही है जिस पर आपको बराह रास्त लिए चलते हैं. इस वक्त जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये मज़ार कायद के मनाजिर हैं. इस वक्त आप देख सकते हैं ये पुरवकार तकरीब यहाँ पर मुनक्किद की गई है. आज 6 सितंबर का दिन है, तारीखी दिन है पाकिस्तान के लिए, एक तारीखी दिन है. 6 सितंबर 1965 को भारतीय अफवाज ने अचानक लाहौर पर हमला किया. इस मौके पर पाक अफवाज ने अपनी सरहदों की हिफाजत का हक अदा कर दिया था. इस दिन को यौम दिफा के तौर पर कौम हर साल मनाती है. इस पुरवकार तकरीब के मनाजिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर पाक फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते मौजूद हैं, किस तरीके से यहाँ पर खराज तहसीन पेश किया जा रहा है कायद आज़म के मज़ार पर. 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है. इस दिन भारतीय फौज इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में दाखिल हो गई थी, जबकि भारतीय फौज का इरादा यही था कि जी 7 सितंबर को सुबह का नाश्ता लाहौर में करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज ने उनके अजायम को खाक में मिला दिया. आपको बताएं कि 6 सितंबर का दिन हमारी कौमी तारीख में संगे मील की हैसियत रखता है और ये इज्जत और वकार के साथ जिंदा रहने की कौमी ख्वाहिश की खमाजी करता है. हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शामिल है. कोई भी कौम अपने दिफा से गाफिल नहीं रह सकती है और उसी हवाले से आज ये पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई है. इस वक्त आप जो मनाजिर देख रहे हैं ये मज़ार कायद के मनाजिर, जिसमें परचम पाकिस्तान, पीएफ कलर और कायदे आज़म बैनर शामिल है. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे नाज़रीन अलमबरदार परचम का मार्च आप देख, अलमबरदार पार्टी का मार्च आप देख रहे हैं जिन्होंने परचम उठाए हुए हैं. आमिर, ये परचम जो तीन है इसमें इनकी तफसील से हमारे नाजरीन को आगाह करें कि एक तो पाकिस्तान का परचम है, एक को आपने पीएफ कलर कहा और एक एक कायदे आज़म बैनर है और ये बात पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी के लिए बाइस इफ्तखार है कि 13 अप्रैल 1948 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बनफ्स नफीस खुद पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी तशरीफ लाए और
उस तारीख साज दिन को कायद आजम बैनर जो सबसे दाने जाने पर मुलाहिजा कर सकते हैं ये एविएशन कैडेट्स को अता किया जो आज तक अपने इफ्तखार और सरबुलंदी से उसको बुलंद रखते हैं। इस कायद आजम बैनर पर आप चार मुख्तलिफ रंगों की स्ट्रिप्स देख सकते हैं। बिल्कुल, ये चार रंग एकेडमी के चार स्क्वाड्रन्स को जाहिर करते हैं, नंबर वन स्क्वाड्रन, नंबर टू स्क्वाड्रन, नंबर थ्री और नंबर फोर स्क्वाड्रन। बिल्कुल। अच्छा आमिर, हमें ये बताइए कि तमाम ये जो परेड के कैडेट्स मौजूद हैं इनके आगे कमांडर्स मौजूद हैं और दोनों दस्तों के सामने भी मौजूद हैं और एक तीसरे मुश्तरका कमांडर भी हमें नज़र आ रहे हैं। जी तारिक, कैडेट्स की फ्लाइट की कमांड कर रहे हैं एविएशन कैडेट विंग अंडर ऑफिसर मोहम्मद हमजा, जबकि ग्राउंड कॉम्बेटेंट्स जो कि ताने जाने हैं उनकी फ्लाइट की क्यादत कर रहे हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट साद मिनहास। दोनों दस्तों की मुश्तरका कमांड स्क्वाड्रन लीडर अली अकबर के सुपुर्द है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी के मिलिट्री ट्रेनिंग विंग से है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट साद मिनहास जो कि ग्राउंड कम्बेटेंट्स के दस्ते की कमांड कर रहे हैं वो पिछले तीन साल से सिक्योरिटी ऑफिसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और मुतअद्दिद दफ़ा मज़ार कायद आज़म पर ड्यूटी सर अंजाम दे चुके हैं। अच्छा आमिर, ये जो दस्ते यहाँ तैनात होते हैं ये एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है जो बहसियत अफवाज पाकिस्तान का रुकन होने के लिए यकीनन आप लोग हमारे सरों का ताज हैं, आप लोग इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत का फरीजा सर अंजाम देते हैं। कोई बर्री फौज का रुकन है, कोई फ़जाई का रुकन है, कोई ज़मीनी फौज का है, कोई नेवी से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन ये एक अपनी ज़ात में एक मुनफरद एज़ाज़ होता है कि मज़ार कायद आज़म पर तैनात हुआ जाए और यहाँ पर पासबानी का फरीजा सर अंजाम दें। तो आप ये बताइए कि इन दस्तों का और इन कैडेट्स का इंतखाब किस तरह होता है? जी तारिक, कैडेट्स की परेड और उनकी तरबियत उनके प्रोफेशनल ट्रेनिंग के हमरा साथ साथ चलती रहती है, जबकि इस परेड के लिए ख़ास तौर पर तकरीबन एक माह कबल इनकी सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है। एक माह पहले सबसे बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले कैडेट्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर लेके आया जाता है और मज़ीद छः दिन की ट्रेनिंग मज़ार कायद आज़म के ऊपर की जाती है। अच्छा, ये आमिर हमें बिगुल की आवाज़ सुनाई दे रही है और यकीनन जो है पायलट्स की सरबराही में उनके क़यादत में जो है मेहमान खसूसी की आमद का सिलसिला हो गया है। तो हमारे जो आज के मेहमान खसूसी हैं उनके जैसे कहा जाए कि पेशा वराना पस मंज़र पर कुछ रोशनी डालिए। जी, हमारे आज के मेहमान खसूसी एयर वाइस मार्शल इमरान खालिद सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री हैं जिनका ताल्लुक हमारे पाक फिजाइया के GDP ब्रांच से है। नाज़रीन, ये इस्तकबाल के मनाजिर हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त कि आज की तकरीब के मेहमान खसूसी को उनको रिसीव किया गया है और वो इस वक्त परेड के मुआयने के लिए और सलामी के चबूतरे की जानी पड़ रहे हैं। तमाम कैडेट्स दस्ते चाक चौबंद मौजूद हैं और इंतहाई पावकार अंदाज में तर्जुमानी कर रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान किस जोश व जज्बे किस तमकनत के साथ इस वतन की हिफाजत के लिए मामूर हैं। और पाक फ़ज़ाइया यकीनन हम ये जब शेर सुनते हैं कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, तो ये पाक फ़ज़ाइया के जो जवान वो जो शाहीन के जो फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत करते हैं उन पर बिल्कुल सादिक आती है। और आज की तकरीब के मेहमान खसूसी सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहे हैं और उनकी उनके पेशरों हैं जो उनको लेकर जा रहे हैं सलामी के चबूतरे की जानिब। जी आमिर, इस वक्त सलामी होगी और सलामी के बाद अगले मरहले में हम जो देखेंगे कि परेड की जो तरतीब है कि उनके अकब में जो तशरीफ़ ला रहे हैं मेहमान खसूसी के अकब में जो अफसरान तशरीफ़ ला रहे हैं उनके बारे में भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो मनसब के अतबार से किस अहदे पर फ़ाइज हैं। इस टाइम मेहमान खसूसी के अकब में उनके दाएँ जानब अफसर कमांडिंग मिलिट्री ट्रेनिंग विंग ग्रुप कैप्टन आगा मेहर गुल तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री हैं, जबकि दूसरी जानिब फ्लाइट लेफ्टिनेंट अब्दुल बसीर जो कि सीनियर जनरल सर्विस ट्रेनिंग ऑफिसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं इनके साथ मौजूद हैं। और इस परेड की तैयारी में इन दोनों अफसरान का ख़ास शमूलियत है। सलामी पेश की जा रही है इस वक्त आज की तकरीब के मेहमान खसूसी को एयर वाइस मार्शल इमरान खालिद सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, सलामी उनकी खिदमत में पेश की जा रही है कैडेट्स दस्तों की जानिब से।
तारिक, सबसे पहले इस परेड में परेड का मुआयना किया जाता है, जिसके लिए अभी परेड कमांडर मेहमान खसूसी की तरफ बढ़ रहे हैं और इनसे इजाज़त लेकर परेड का मुआयना करवाएंगे। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये परेड कमांडर, ये मुश्तरका कमांडर होते हैं परेड के जो इजाज़त तलब करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जी, आज के मुश्तरका कमांडर स्क्वाड्रन लीडर अली अकबर हैं, जिनका ताल्लुक मिलिट्री ट्रेनिंग विंग से है और ये भी पेशे के एतबार से जनरल ड्यूटी पायलट या GDP हैं। इन्होंने नाज़रीन किराम, आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल इमरान खालिद सितारा इम्तियाज मिलिट्री परेड के मुआयने के लिए तशरीफ लेके जा रहे हैं। आप देखिए कि हमारी अफवाज पाकिस्तान का जो नज़्म व नस्क होता है, किस बावकार अंदाज में हमारे मेहमान खुसूसी और दीगर अफसरान मुआयने के लिए तशरीफ लेकर जा रहे हैं और दस्ते चाक चौबन इंतहाई बावकार अंदाज में अपने मकाम पर मौजूद हैं और मुआयने के लिए इस वक्त मेहमान खुसूसी तशरीफ लेकर गए हैं। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती वो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, उर्दम है अगर तू तो नहीं खतराए उफ्ताद। खवातीन और हज़रात, अभी आपने देखा कि मेहमान खसूसी ने परचम पाकिस्तान को सलामी पेश की और रिव्यू ऑर्डरलीज के पीछे पीछे परेड का मुआयना अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। नाज़रीन किराम, अब मेहमान खसूसी एक मरतबा फिर सलामी के चबूतरे की जाने पड़ेंगे और फिर उसके बाद दोबारा उनसे इजाज़त तलब की जा रही है कि बाकायदा तैनात कर दिया जाए पाक फ़ज़ाइया के दस्तों को मज़ार कायद आज़म की पासवानी पर। और यह आज कमान सुपुर्द कर दी गई है मज़ार कायद आज़म पर। साल में 3 मरतबा ये तब्दीली की तकरीब होती है। पाक फ़ज़ाइया, पाकिस्तान नेवी और बर्री अफवाज ये जिम्मेदारी 4-4 माह के लिए संभालती हैं और आज ये कमान पाक फ़ज़ाइया बाज़ाब्ता इस तकरीब में संभाल रही है और ये 4 महीने की मुद्दत के लिए पाक फ़ज़ाइया के पास रहेगी कि जिसकी आखिरी रुब इस साल का आखिरी रुब यानी 1 सितंबर से लेकर दिसंबर के अख्ताम तक ये जिम्मेदारी पाक फ़ज़ाइया के पास मौजूद रहेगी। तारिक, अभी आप देखेंगे कि मेहमान खसूसी मज़ार कायद आज़म के अंदर तशरीफ़ लाकर कौमी सलाम पेश करेंगे, जिस मौके पर कौमी तराने की धुन बजाई जाएगी और तमाम अफसरान सलूट पेश करेंगे। तमाम नाज़रीन से भी गुजारिश है कि वो कौमी तराने के एहतराम में खामोश रहें और अपने अपने नशस्तों पर जो हाज़रीन मौजूद हैं वो पुनः खड़े हो जाएं। नाज़रीन किराम, कौमी सलाम पेश किया गया और अब जितारे कब हमारे परेड कमांडर मेहमान खसूसी से पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी के कैडेट्स की गार्ड को तैनात करने के लिए इजाज़त तलब करेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मेहमान खसूसी के सामने मुश्तरका कमांडर मौजूद हैं और वो इजाज़त तलब कर रहे हैं।
और आप ये मनाजिर अपनी स्क्रीन पर बराह रास्त देख रहे हैं और यकीनन जो कैफियत इस वक्त हम यहाँ महसूस कर रहे हैं कि यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर यह पुरवकार तकरीब इनेकाद पजीर है और इन जवानों के जोश जज्बे को देख कर हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यकीनन आप अपने घरों में जहाँ जहाँ दुनिया भर में ये तकरीब पाकिस्तान टेलीविज़न की विसात से देख रहे हैं, आप भी इस तकरीब के इस तकद्दस को, इन रूह परवर मनाजिर को और इन जज्बात और जोश और वलवले से भरपूर मनाजिर को देख कर यही कैफियत खुद में महसूस कर रहे होंगे कि हमारे जवानों की जो सदाएँ बुलंद होती है, इनकी जो ललकार होती है, ये यकीनन दुश्मनों के दिलों में एक लर्जा तारी कर दें। और यकीनन इस तकरीब से मुतालिक जो मनाजिर आप देख रहे हैं, मैं हमारे साथ क्योंकि स्क्वाड्रन लीडर आमिर दाऊद साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तानी एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के मिलिट्री ट्रेनिंग विंग से, हम परेड से मुतालिक चीज़ें इनसे भी बात करते रहेंगे। लेकिन मैं इस मकाम पे मौजूदा जो पाकिस्तान एयरफोर्स का फजाई सरहदों की हिफाजत के साथ साथ दीगर जो किरदार है, इसके बारे में कुछ आप आमिर साहब रोशनी डालिए। जी तारिक साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि 1965 से लेकर आज तक तमाम बरस हमारे जोहदी मुसलसल के आयनादार हैं और सकूते ढाका और दहशतगर्दी चैलेंजेस के जरिए हमें मायूसी के अंधेरे में धकेलने की मजबूत कोशिशें की जाती रही हैं। लेकिन चाहे 1965 की जंग हो या 2005 का कयामत खेज जल्जला, हमारी कौम का अज़्म हमेशा गैर मुतवज़ल रहा है और मौजूदा हालात में भी इसकी सबसे बड़ी मिसाल कामयाबी से जारी ऑपरेशन हैं, जैसे कि ऑपरेशन खैबर फोर और ऑपरेशन दर्पण फसाद। और तारिक, ये सभी ऑपरेशन का नाम नहीं है, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि ये पूरी कौम का एक अज़्म है, एक इरादा है और एक पूरी कौम का तसव्वुर है। बिल्कुल, और नाज़रीन के नाम ये फ्लैग पार्टी ने मार्च शुरू किया है यौम दिफा के मौके पर। ये पुरवकार मनाजर आप आज न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जवानों की सदाओं के साथ ये पुरवकार तकरीब जारी है। आपको बताएं कि मेहमान खुसूसी ने परचम पाकिस्तान को सलामी पेश की और साथ साथ आपको इस परेड के हवाले से बताएं कि एक माह कबल इसकी रिहर्सल की सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जबकि आपको बताएं कि एयर वाइस मार्शल इमरान खालिद सितारा इम्तियाज मिलिट्री को भी सलामी पेश की गई और वो इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। जबकि कैंडिडेट्स के आगे जो कमांडर मौजूद होते हैं वो अपने अपने दस्तों को लीड करते हैं। आज उसकी स्क्रीन पर ये पुरवकार तकरीब आप देख सकते हैं, यौम दिफा के मौके पर ये पुरवकार तकरीब, ये ताकत का मुजाहरा, ये यगानगत का मुजाहरा आप देख सकते हैं। किस तरीके से मजार कायद पर ये पुरवकार तकरीब जारी है, दस्तों की जानिब से सलामी दी जा रही है, चार अलग अलग दस्ते होते हैं और साथ साथ जो है पाकिस्तान नेवी के दस्तों से इस वक्त ये चार्ज टेक ओवर किया गया है और उसके बाद चार माह के लिए ये जो मामला है ये सारा पाकिस्तान फ़िज़ाइया के हाथों में चला गया है और उसके बाद चार महीनों के लिए जो है पाक फ़िज़ाइया यहाँ पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगी। इस वक्त आप देख सकते हैं अवाम की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जबकि मेहमान खुसूसी को इंतहाई पुरवकार अंदाज में लेकर आया जा रहा है और ये पुरवकार तकरीब मज़ार कायद पर जारी है। आज की इस परेड पर पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के कैडेट्स अपनी गार्ड संभाल रहे हैं। इन कैडेट्स का जज्बा आसमान से बुलंद और गैर मुतज़लज़ल। नाज़रीन किराम, पाक फ़िज़ाइया के कैडेट ओल्ड कैडेट के बराबर में आकर खड़े हो चुके हैं। एक पुरानी गार्ड इस टाइम अपनी पोजीशन से वापस तशरीफ ले जाएगी, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी के कैडेट्स उनकी जगह संभाल लेंगे। बिल्कुल, नाज़रीन आप देख सकते हैं मेहमान खुसूसी मौजूद हैं, ओल्ड कैडेट्स बाबा कौम की तुर्बत को अलविदाई सलाम पेश कर रहे हैं कि जो आज जिम्मेदारियों से सुबहदोश हो रहे हैं और पाक फ़िज़ाइया के जवान अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और जिम्मेदारियों से सुबकदोश होने वाले जवान अब रुखसत हो रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, पीएफ एकेडमी अज़हर खान के ये कैडेट्स आज की इस परेड में कतार अंदर कतार खड़े होकर पूरी कौम को पैगाम यकजहती दे रहे हैं और इनकी आंखों में चमक, सीनों में हौसला और बाजुओं में जुर्रत है।
इनका वलवला बाबाए कौम से अहद कर रहा है कि पाक फिजाइया के ये शाहीन इस वतन पाक की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। बिल्कुल, और आमिर, हम ये जो दस्ते हैं जिन्होंने यहाँ परेड में हिस्सा लिया, एक दाहिनी जानब मौजूद था, एक बाएं जानब मौजूद था, इन दस्तों में कुल कितने कैडेट्स मौजूद थे और कितने कैडेट्स यहाँ पे ये जिम्मेदारी सर अंजाम देंगे? हमारे दाने जानब ग्राउंड कम्बेटेंट्स का दस्ता था जिसमें 49 ग्राउंड कम्बेटेंट एयरमैन मौजूद थे, जबकि हमारी बाएँ जानब पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के कैडेट्स का दस्ता मौजूद था जिसमें 57 या 57 कैडेट्स मौजूद थे। इनमें से 8 कैडेट्स अपने गार्ड पर पहुंच चुके हैं और अब 49 कैडेट्स वहां पर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं कि बाबा कौम की तुर्बत पर फूल पेश करने के लिए ये कैडेट्स की पेशवाई में एक आज के मेहमान खुसूसी दोबारा बढ़ रहे हैं अंदरूनी अहाते की जानिब और ऑर्डरली उनके आगे आगे मौजूद हैं और अतब में रीत लेकर चलने वाले नौजवान हैं और फिर मेहमान खुसूसी तशरीफ़ ला रहे हैं और अब से चंद ही सानियों में बाबा कौम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर ये फूल पेश किए जाएंगे और यकीनन यौम दिफाए पाकिस्तान आज 6 सितंबर हमें अपने मोहसिनीन याद दिलाता है कि जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ाद फ़जाओं में सांस ले रहे हैं, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम इस वतन अजीज़ में सर बुलंद हैं और दुनिया में हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है। ये इन्हीं जवानों की कुर्बानियों का समर है कि जिन्होंने 6 सितंबर 1965 को या जब भी वतन पाकिस्तान की जानिब दुश्मनों ने मैली आँख से देखा, इन्होंने दिफा किया और फरीदा सजाम दिया। ये मेहमान खुसूसी की जानिब से फूल बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की तुर्बत अथर पर पेश किए गए और एविएशन कैडेट साद अहमद खान अब तिलावत की सआदत हासिल करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
सदकल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से सब्र और नमाज के जरिए मदद लो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। और हम जरूर तुम्हें खौफो खतर, फाका कशी, जानो माल और मुआशी नुकसानात में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। और जब उन्हें कोई मुसीबत आ पहुंचे तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। दुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين कारी शम्स दीन साहब जो आप ये मनाजिर देख रहे हैं आज न्यूज़ की स्क्रीन पर, ये मनाजिर हैं पुरवकार तकरीब के, ये मनाजिर हैं, ये पुरवकार तकरीब जारी है। इस बारे में बस यही कहा जा सकता है कि ये गाजी, ये तेरे पुरइसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी टोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। एक मरतबा फिर कौमी सलाम पेश किया जाएगा। Thank you.
ناظرین کرام، اس وقت آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ایئر آفیسر کمانڈنگ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان، ایئر وائس مارشل عمران خالد، ستارہ امتیاز ملٹری اپنے تاثرات تحریر اور وہ آج کی اس تقریب کے موقع پر بابا قوم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر موجود تاثرات کی کتاب میں اپنے تاثرات تحریر کر رہے ہیں۔ عامر، اس وقت کیونکہ پریڈ کے یہ مناظر ہمارے ناظرین دیکھ رہے تھے اور یہ جو فضائیہ کے دستے موجود ہیں یا جو جوان موجود ہیں، ان کی جو جس کہا جائے کہ جسمانی مہارت اور مشقت اور جو ان کی تربیت کا انداز تھا وہ ظاہر نظر آ رہا تھا، ساری دنیا کو ایک پیغام جا رہا تھا کہ ہمارے یہ جوان کس قدر اعلیٰ تربیت یافتہ ہیں، تو ان کے جو ٹریننگ اسٹرکچر ہے اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں۔ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی میں ٹریننگ کے لحاظ سے دو مین ٹریننگز ہیں، ایک پروفیشنل ٹریننگ اور دوسری ان کی ملٹری ٹریننگ کا اسپیکٹ ہے۔ پروفیشنل ٹریننگ کالج آف فلائنگ ٹریننگ اور کالج آف ایرونوٹیکل انجینئرنگ کے سپرد ہے، جبکہ ملٹری ٹریننگ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کا ملٹری ٹریننگ ونگ سر انجام دیتا ہے۔ ان تینوں پر یہ انسٹیٹیوشنز دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پشاور کے کرنل شبیر خان سٹیڈیم میں یوم دفاع کے حوالے سے تقریب جاری ہے۔ آپ کو اس دونوں تقریب کے حوالے سے ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے ابھی اس وقت تقریب جاری ہے مزار قائد پر، جبکہ ابھی اس وقت پشاور کے کرنل شیر خان سٹیڈیم میں یوم دفاع کے حوالے سے تقریب جاری ہے۔ ان دونوں تقریب کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے مزار قائد پر یہ پروقار تقریب ہو رہی ہے، کس طریقے سے چاقو چوبند دستے پریڈ کر رہے ہیں، سلامی پیش کر رہے ہیں، پرچم پاکستان کو سلامی پیش کی گئی ہے، مزار قائد پر قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی ہے، مہمان خصوصی کا استقبال کیا گیا ہے۔ دوسری طرف یہ مناظر ہے پشاور کے کرنل شیر خان سٹیڈیم کے، جہاں پر کس طریقے سے یہ تمام تقاریب جاری ہیں۔ یہ روپرور مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں آج نیوز کی اسکرین پر۔ دونوں جانب یہ پروقار تقریب جاری ہے۔ یوم دفاع کا موقع ہے، آج کے دن تمام شہدا کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، آج کے دن تمام شہدا کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، آج کے دن یوم دفاع کو اس لیے منایا جاتا ہے کہ ہم پاک فوج کی قربانیوں کو سراہتے ہیں، ہم پاک فوج کی اہمیت دنیا بھر کو بتاتے ہیں، دنیا بھر میں آج کے دن اس کی اہمیت کو ہم اجاگر کرتے ہیں۔ ملک بھر میں ہی جہاں مختلف شہروں کے اندر آج 6 ستمبر 1965 کی جنگ کے شہیدوں کو یاد کیا جا رہا ہے، وہیں مختلف تقاریب کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ پشاور، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں فوجی ساز و سامان کی نمائش بھی کی جا رہی ہے، جبکہ چھوٹے بڑے شہروں میں اس وقت خصوصی تقریبات سجائی جا رہی ہیں جن میں 65 کی جنگ کے شہدا کی قربانی کو یاد کیا جا رہا ہے۔ شہدا کی یادگاروں پر پھول بھی چڑھائے گئے ہیں، جبکہ فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 65 کی جنگ میں افواج پاکستان کے بہادر سپوتوں نے دشمن کو کاری ضرب لگا کر منہ توڑ جواب دیا اور ثابت کیا کہ پاک فوج وطن کے دفاع کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب بھارت کی جانب سے پاکستان پر مسلط کی گئی جنگ بھارت کے لیے ایک خوفناک انجام ثابت ہوئی۔ پاکستانی فوج نے نہ صرف اپنے علاقوں کو کامیابی سے کلیئر کرایا، ان کا دفاع کیا، بلکہ بھارتی علاقوں کے اندر گھس کر بھی بھارتی فوج کو بھی ناکوں کے چنے چبوا دیے، جبکہ پاک فوج کے شانہ بشانہ پاکستان کے بہادر عوام نے بھی جنگ کی تھی۔ اور یہ وہ وقت تھا جب دہشت و وحشت کو ایک کھیل سمجھ کر بہت ہی بہادری کے ساتھ بہت ہی فیاضی کا مظاہرہ کیا گیا ہماری پاک فوج کی جانب سے، اور یہ ہماری تاریخ کا جو ہے وہ سب سے روشن باب کہلایا۔ میجر عزیز بھٹی مسلسل 5 تک بھارتی ٹینکوں کے سامنے سیسا پلائے ہوئی دیوار کی طرح ڈٹے رہے، جبکہ بھارتی فوج کے ایک ٹینک کا گولہ میجر عزیز بھٹی کے سینے پر لگا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ پاکستانی قوم ہر سال 6 ستمبر یوم دفاع کے طور پر منا کر نئے جذبے سے پاک وطن کے چپے چپے کے دفاع کا عہد کرتی ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس میں ہم صبح سے ہی دیکھتے ہیں کہ مساجد ہو اور مختلف جو مقامات ہیں وہاں پر ملکی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں۔ لاہور میں بھی ہم نے دیکھا کہ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی گئی، رینجرز کے چاقو چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھالے، جبکہ گیریزن کمانڈر میجر جنرل محمد عامر نے علامہ اقبال کے مزار پر پھول بھی رکھے اور فاتحہ خوانی بھی پڑھی، جبکہ پاکستان رینجرز کے چاقو چوبند دستے نے سلامی بھی دی۔ یوم دفاع پاکستان کی مرکزی تقریبات جو منعقد کی جاتی ہے ان میں جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں جو ہے وہ سب سے اہم تقریب ہوتی ہے، جس میں شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ اس تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے، جبکہ پاک فضائیہ کی جانب سے نور خان ایئر بیس پر پاک فضائیہ کے ایئر کرافٹ کی نمائش بھی
भी की जा रही है। आपको बताते चले कि मुल्क भर में ही यौम दिफा मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और दिन के आगाज से ही तमाम तर जो एक्टिविटीज हैं, तमाम तर तकरीबात जो है उनका इनेकाद किया जा रहा है। इस वक्त आपको जो टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजिर दिखा रहे हैं ये भी हमारे चाको चौबंद दस्ते के हैं, जहाँ पर एक तरफ पेशावर के कर्नल शेर खान स्टेडियम में यौम दिफा के हवाले से तकरीबात जारी है। जी हाँ बिल्कुल, आप आज न्यूज़ की स्क्रीन पर यह मनाजिर देख सकते हैं। एक तरफ पेशावर के कर्नल शेर खान स्टेडियम में ये रंगारंग तकरीब जारी है, ये पुरवकार मनाजिर आप देख सकते हैं। दूसरी जानब मज़ार कायद पर किस तरीके से सलामी पेश की जा रही है, यहाँ आपको बताते चले कि आज यौम दिफा का दिन है और यौम दिफा की सुबह का आगाज़ ही फजर की नमाज के बाद से कर दिया जाता है और तमाम तर जितनी भी हमारे फौजी दस्ते हैं, फौजी जवान हैं, उनको हम खराज तहसीन पेश कर रहे होते हैं। आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज के हवाले से आपको बताएँ कि 6 सितंबर की सुबह का आगाज़ मुल्क भर की तमाम छोटी बड़ी मस्जिद, पाक फौज के यूनिट्स, बहरिया की तनसिबात और फिजाइया के बेसिस में नमाज फजर के बाद शोहदा के लिए कुरान खानी और मुल्क व कौम की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआओं से होता है, जबकि वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा की यादगारों पर भी फूल चढ़ाने की तकरीबात का सिलसिला जारी रहता है। आपको बताएं कि सियासी शख्सियात के अलावा आला फौजी हुकाम भी इस तकरीब में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। इस हवाले से बच्चों में भी जोश व खरोश पाया जाता है, इस हवाले से तमाम कौम में भी जोश व खरोश पाया जाता है। अगर आज के दिन की मुनासबत के हवाले से हम बात करें तो यौम दिफा के मौके पर सदर मुमलिकत ममनून हुसैन और वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के पैगामात भी आए हैं और अभी इस वक्त हम आपको मज़ार कायद के मनाजिर दिखा रहे हैं, जहाँ पर मेहमान खुसूसी इस वक्त तकरीब से खिताब करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से 52 साल पहले एक मकार दुश्मन ने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए बग़ैर ऐलान जंग किए पाकिस्तान की अर्ज़ मुकद्दस पर हमला किया और ये चीज़ तारीख में रकम हो चुकी है कि जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने दलेरी से और जवां मर्दी से उस दुश्मन का मुकाबला किया और उसको शिकस्त फाश दी और जिस जवां मर्दी का मुजाहरा ज़मीन पर हमारे जरी जवानों ने किया और फिज़ा में हमारे शाहीनों ने जिस तरीके से दुश्मन के बढ़ते हुए लश्कर को तख्तो ताराज किया, वो तारीख दुनिया में सुनहरी हरूफ से लिखा जाने के काबिल है। पाकिस्तान एयरफोर्स आज भी उसी तरह चाको चौबंद है, उसी तरह पुरअज़्म है और तारीख शाहिद है कि जब भी कौम पर कोई मुश्किल और कड़ा वक्त आया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा बढ़कर दुश्मनों को जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया जो कि कयामत तक उन्हें याद रखना चाहिए। आजकल पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दोनों दुश्मनों का सामना है। मैं तमाम दुश्मनों को ये वाज़े पैगाम देना चाहता हूँ कि जब भी उन्होंने इस अर्ज़ वतन की तरफ मैली आंख से देखा तो उनकी आंखें नोच ली जाएंगी। कोई भी हाथ इस अर्ज़ पाक की तरफ बढ़ा तो हाथ काट दिया जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने माजी में भी और हाल में भी बर्री फौज के साथ मिलकर ना सिर्फ बैरूनी बल्कि अंदरूनी दुश्मनों का भी मुकाबला किया है और उन्हें इतना नुकसान पहुंचाया है कि तकरीबन उनका पाकिस्तान से सफाया हो चुका है। अगर आप देखिए जो माजी में ऑपरेशन हुए, राह रास्त, राह निजात, ज़रब अज़्ब और अभी जारी ऑपरेशन रद्दुल फसाद, इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का किरदार हमेशा कलीदी रहा है इन तमाम ऑपरेशंस में और जब भी हमारी फ़ौज को पाकिस्तान एयरफोर्स की ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने मौके पर पहुंचकर दुश्मन के मजबूत ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया और आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आखिर में
मैं आप सब ख्वातीनों हजरात का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ इस वक्त एयर वाइस मार्शल इमरान खालिद सितारा इम्तियाज मिलिट्री तकरीब से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि तमाम दुश्मनों को वाज़े पैगाम देना चाहता हूँ कि जब भी उन्होंने मैली निगाह से देखा तो उनकी आंखें नोच ली गईं। जबकि प्रीवियस ऑपरेशंस के हवाले से उन्होंने बात की कि माजी में जितने ऑपरेशन हुए और इस वक्त ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ, इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का किरदार इंतहाई कलीदी रहा है। बिल्कुल ऐसा है, और हमारी पाक फौज के किरदार के हवाले से जो है वो किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है। जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से भी बयानात सामने आ रहे थे कि हमारी दुश्मनों की गोलियां खत्म हो सकती हैं पर हमारे जवानों की छातियां नहीं। इसी के साथ यहां पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद वक्त हुआ है हेडलाइंस का, और उसके बाद हम आपको मिलवाएंगे हमारी टीम ने जिनसे मुलाकात की है पाक फौज के कुछ जवानों से, और हमारी कौम जो है हमारे जो पूरी टीम के लोग हैं वो उनकी हिम्मत और हौसले के वैसे ही दिलदादा है और हमने भी उनसे मुलाकात की। आइए देख, आज की टीम ने पूरा दिन इन फौजियों के साथ गुजारा, इनके हौसले और इनकी हिम्मत को हम भी सलाम पेश करना चाहेंगे। और वाकई में सिर्फ ये यौम दिफा का दिन नहीं है, ना सिर्फ हमारी आज़ादी का दिन है, बल्कि वाकई में साल के 365 दिन यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हम सुकून की सांस ले पाते हैं, हम आज़ादी के साथ इस मुल्क में फिर पाते हैं, और हमारी जानो माल की हिफाजत भी यही लोग करते हैं। बिल्कुल सही कह रही है अनम, किस तरीके से गुड मॉर्निंग आज की टीम गई रन ऑफ कश्मीर और किस तरीके से जाके उन्होंने वहाँ पर तमाम वो मनाजे शूट किए, आपको दिखाया कि पाक फौज के ये जवान ये तमाम अफराद वहाँ पर मौजूद होते हैं और कितना मुश्किल है वहाँ पर सरवाइव करना, कितनी ज्यादा वहाँ पर गर्मी होती है। गो के रन ऑफ कच्छ का आधा से ज्यादा हिस्सा जो है वो पड़ोसी मुल्क के पास है, लेकिन उसके बावजूद भी इस हिस्से की हिफाजत करना, यहाँ के शहरियों के तहफ़ को यकीनी बनाना, ये पाक फौज के अलावा कोई और काम कर नहीं सकती है। तो 6 सितंबर यौम दिफा का दिन है, यौम तजदीद अहद वफा का दिन है। इस दिन हम वाकई में अपनी तमाम पाक फौज को, तमाम फोर्सेज को खराज तहसीन पेश करते हैं, और साथ साथ हमें अंदाजा होता है ना कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, मतलब हम कितने ज्यादा लकी है कि हमारे पास पाक फौज जैसी फोर्सेस मौजूद हैं जो कि हर दम हर कदम हमारे मुल्क के लिए, हम लोगों के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी जान माल के तहफ्फुज के लिए हमेशा शाना बशाना खड़े रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और इस मौके के ऊपर 6 सितंबर के ऊपर हम अपनी तमाम फौज को, पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, सबको आज के दिन की मुबारकबाद देना चाहेंगे, क्योंकि आज का दिन इंतहाई अहम है। आज के दिन हमने अपने दुश्मन पर धाक बिठाई थी कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान कौम का हर जवान जो है वो हर वक्त अपनी जान हथेली पर लिए बैठा है। जब भी हमारे वतन के दिफा की बात होगी, जब भी कोई मैली आंख से हमारे वतन की तरफ देखेगा तो इन तमाम लोगों की जो आंखें हैं वो नोच ली। इसी के साथ जनाब ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई मुस्कुराहटों के साथ। जाने से पहले हम जरूर कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, और आपको एक मिली नगमा मिली सुनाएंगे। सो कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग।